ढाका को जरा सूख रहा हूँ, इनता फील हो रही थी, तो कल हॉस्पिटल जा रहा, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही क्योंकि सेज में होती थी ना गायनेकोलॉजिस्ट की। क्या लीगल एज है समाज आने की? अडल्ट होते ही जा सके तो। के बाद जाओ हाँ, मतलब लड़कियों का तो है पीरियड्स जैसे आ जाओ तो जा सके, मतलब जा सके क्या, काम ही कपड़े हैं थोड़े ही फ्रेश जाकर बैठ के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मजाक बना रखा। मुझे लगता नहीं मैं जीवन में विजिट करूंगा। अच्छा होने का नहीं क्या, हमारे खिला लिए। देख मेरे खिलाने की तो जरूरत है नहीं, संपत्ति दे दी थोड़ी सी। दुकान तो हर्ष ताऊ जी ने दे दी थी। कितना बढ़िया हो, कोई तो सारा बिजनेस नाम करके चल। कदर गुजा बैठे रपा हाथ में देते ही कदर गुजा सारी। पहले गांव में क्या हुआ करा था, एक चौधरी रह करा था, चौधरी वो बना करा था जो रंडवा होता, मतलब जो शादी नहीं करवा होता, तो रंडवे की कदर खूब हो गए थे। जब लोग भाई के बच्चे छोटे रहे थे, जब बड़े होते ही कोई से के नाम हो जाता सामान। शुरू में तो वे कलौंड सीख रहे थे, दूध पिया कर रहे थे सुबह शाम, मुनक्खा घे रहे सब। जब के नाम कर देख रहा था बेकदरी हो कर दिया, फिर तो वही चक्कर भी तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, कोई आप भी नहीं गया था। फिर तो पहले से एटीएम दिखा दिया, छुपा के रख लिया अपने घर में, ये दिक्कत है तुम्हारे साथ। वो तो मम्मी ने रख दिया संभाल के, वरना तो 3 बजे याद आया मुझे, रात को 3 बजे से मैंने मैसेज करा, मगा भाई वो एटीएम रह गया था तेरे घर। आदमी ऐसे ही करता है भाई, मना मुना करते हैं भाई साहब। कब कौन सा एटीएम भाई, इनमें ही रह जाएगा। और वहाँ से कह रहा था 20 तारीख को पेपर है, थमा नहीं थमा वहाँ नोएडा। अभी मैं घर गया था तो बसंत आ गया भाई, तो अभी बैंक से आए हम। SBI से देख लो कितनी बड़ी फतेह है, SBI से काम करके आना। हमारे पिताजी ने वापस यही कहा को हर्ष के घर गाड़ी खड़ी कर रखी, बोल लिया मैं कोई चेकबुक पड़ी उनकी। 5 मिनट पहले मैं यही था, अब यहाँ से फिर यही वापस आया बैंक से, इतनी धूप में, धूप ऐसी हो रही कुत्ती एकदम। फिर हर्ष के घर गया, हर दुकान पर आंटी ने बताया चाबी बालियान के घर ही है, फिर वापस बालियान के घर आ रहा चाबी लेने। ऐसी चीज है वो खोले भी बालियानी, बालियान को स्पेशली कॉल करा जाए इसके लिए। अगर बालियान नहीं होता तो मैं यहाँ गाड़ी लेना आता नहीं, मैं काम किसी और तरीके से कर लूँ, पैदल चला जाऊँ, लेकिन जब बालियान आवे तभी लेने आऊँ मैं। धूल पड़ी है योरी। चलो जी, रचित को मैं कॉल कर दूँ सुबह उठते ही 9:30 बजे यहाँ, तो अगर मैं 9:30 बजे उठ जाऊँ तो उसे कॉल कर दूँ, मैं भाई आ जाइयो क्योंकि आज वीडियो लाइव करनी थी। तो वो कई बार मैंने कॉल करी, आता आता वो 2 बजे आया, 2 बजे मैं घर से निकल गया। अब आधे घंटे घर बैठा मैंने उसे कहा, मैं व्हाट्सएप किया, मैं कहा तब तक इस वीडियो को और थोड़ा रिफाइन कर दे, तो कह रहा है इसमें पेंट कर दूंगा वीडियो में, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका होगा जितना कुछ लगना था। ये मेरा बाल ऐसे क्यों हो रही कि करंट लग गया हो, मुझे ऐसा लग रहा गंजा होने में ही फायदा है। यूट्यूब फैमिली के लिए दोपहर में आगे वीडियो एडिट हो रही, बता भी रिकॉर्ड करी दोपहर में आ गया, अभी एडिट करके डाल दी। ये एक काम करने लगे क्या यूट्यूब पे कि लाइव एडिट करा करेंगे, लाइव ही रिकॉर्ड करा करें, लोग खुद एडिट कर लिया करेंगे दिमाग से, एडिट करते हुए डाल दो लाइव और उसमें ही देख लेंगे लोग बाग, बाद में क्या देखनी। शर्मा देगी गाली भी तो रहेगी, हर्ष की एक्टिंग बढ़िया होती है यार, जेन्युइन है। छोड़ गए हां, तुझे एक टाइम पे पीछे छोड़ सके हर चीज में। यूं कह रहे आज मैंने एक पुरानी फोटो डाल ली हमारे स्कूल की, तो लोग यूं कह रहे हैं कि तुम्हारे सब में हर्ष ही हैंडसम लगा था बचपन में, तो ये मैंने कमेंट डिलीट मार दिए। ये बात बस मुझे ही पता, जब तुम्हारी तारीफ हो है ना YouTube कमेंट सेक्शन में, तो स्टूडियो में तो मेरे पास ही खुला रहे हो, मैं डिलीट मार दूं। अभी तो सोच यार मैं लोगों को 1000 रुपए दे दे के थक गया कमेंट उठवाने को, यार मैं इतने तक कमेंट आवे जब बाद में वीडियो रिव्यू करे तब उतने नहीं, जब 2 दिन बाद देखे तब नहीं मिलते कमेंट तारीफ। एक दिन में देख रहा 250 कमेंट, फिर थोड़ी देर बाद देखा 230, तो वही तो मैं सिर्फ अपनी तारीफ के कमेंट छोड़ दूं उसमें, और कुछ नहीं छोड़ता। पेट मेरा बढ़ता जा रहा, मैं एक दिन नहाते हुए देख रहा था, नीचे का दिख नहीं रहा था कुछ नहीं, पेट ऐसा हट रहा था फ्रेश। ये देखियो कैसा बड़ा, इसे देख ले, हर चीज असली ली है भाई घर में, कतई तू ना हद कर दी यार ऐसे बैठ। अरे वो भी तो आ गया CCTV मेरे घर के बाहर, बच्चे आ गए शोर बहुत मचा हुए हैं, तो मैं अभी ले आया। इसके बाद क्या होगा ना, उन बच्चों का किसकी बिरयानी बननी वो डिसाइड हुआ करेगा CCTV से, जिनने पहले आ गया शोर मचाया आज उसकी बिरयानी। फाड़ दूंगा, फाड़ दे, और कुछ तो फटने का नहीं तेरे पे। UMI वाला है वो 360 डिग्री, फोन से कनेक्ट करके देखेंगे अभी कैमरा, अगर एक बढ़िया है तो 2 लगवाना, हमें पीछे गाड़ी खड़ी रहे ना तो। वैसे मेरे घर पे ज्यादा जरूरत है इसकी, जैसे कि तुमने मेरा एड्रेस लीक कर दिया। एक यूं कह रहा रजित की दादी का नाम दुधली है। योरा कैमरा बता, यो है देख बता, यहाँ को तुम्हारी दादी देख देगी, सारे चोर पकड़ लेगी। लेकिन ये लाइट से तो कनेक्ट होता ही होगा, एक तार इसका है ना, और वाईफाई से तो ये वैसे ही कनेक्ट हो जाए, बस घर में वाईफाई होना चाहिए। वैसे किस लिए मंगाया तो सही रीजन तो बताया। अरे हमारे घर के बाहर गुलाब के पेड़ है, तो रोज गुलाब गायब हो जा, किसी की दादी मान नहीं रही, गुलाबी चाह रही है। अरे एक वो लगवा लो ना, वो भी तो आ जाएगा 250 रुपए का आ जाए, लाइट जलती रहे बस। दादी मानने तो नहीं, जब लोग प्रूफ नहीं दूले जाके। बिट्टिया तो बढ़िया लग रहा, आवाज सी भी आ रही है घुमाने में। 360 घूम जाए इसकी मुंडी, चार्जर लाऊ ना आगे देख रहे लगा के, इसमें होगा ना चार्जर, अगर मैं इसे कंधे पे लगा के घूमन लगूं। बढ़िया है, गूगल अर्थ वाला बन जा तू, पैसे भी देंगे गूगल अर्थ वाले तुझे। पता मैंने वो देखा इंडिया की ब्लर क्यों है इमेज मैप्स पे, इंडिया की गवर्नमेंट ने शायद परमिशन नहीं दे रही, परमिशन नहीं देती कि सैटेलाइट से एचडी इमेज कर सके। और कैमल वैमल हर चीज पे लगा के घूमे कैमरा, वो डेजर्ट में कैमल पे, और इवन जब गूगल अर्थ ने पहाड़ एक्सप्लोर करे थे ना, तो बंदे अपने कंधों पे लेके घूमे थे उन कैमरा को, 360 डिग्री कैमरा को, हर जगह हर गली गली में गए हुए लोग, देख लो किंग तार लगते कैसे घूम रहा।
मान नहीं रहा, अनु कह रहा वेटिंग फॉर कनेक्शन। स्पीकर क्यों दिया होगा, हम लोग चोर आने लगे तो चिल्ला देगा चोर आगे तो। ओ उस अलमारी में ना घुसे। थोड़ी सी इसे कनेक्ट करने की प्रक्रिया तो टफ है, मतलब कॉम्प्लेक्स है हल्की सी। वैसे इस पे गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा भी रखी तो शायद माइक भी होगा इसमें। चल तो गो वही कैमरा तो चल गया भाई। क्वालिटी बड़ी साफ है यार, बताओ हल्का सा ऊपर लिए इधर घुमा और ऊपर ले बताओ यार, क्वालिटी बहुत सही आ रही है। मतलब कैमरा की इतनी बढ़िया होती नहीं, इसमें तो दादी दिखी जाएगी जिसकी भी तोड़ेगी अब के गुलाब। और यहाँ से शायद रिकॉर्ड भी हो जाएगा और फोटो भी खींच जा। हाँ भाई तो आवाज सुन सकते पास है ना, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। उसके लिए है अगर तुम्हारी काम वाली बर्तन सही से ना धोरी हो। अरे वहां इसे चिल्ला दिया, अरे उस पे दाग रह गया। फोन में मेमोरी चाहिए इसके लिए तो। ये तीनों रूम में कैमरा लगाओ क्या, फिर इसका ही ब्लॉग बना दिया करेंगे। यही करना पड़ेगा तो। लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अबे ऐप थोड़ी सी बगी है इसकी। ऐप हल्की सी बगी है इनकी। मुझे रात सपना आया कि मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, तो आज मेरी काम करने की मोटिवेशन जाग चुकी, तो आज मैं आधा घंटा काम करूंगा बैठ के लगातार। रेज आ चुका वीडियो एडिट करके, उसे अपनी वीडियो लाइव करनी 7 बजे। मेरे वाली जो ब्रांड थी उसने मना कर दी कि कुछ ग्लिच आ रहा है ऐप के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं सोच रहा हूँ कल दिन में ही लाइव कर दूं, अब तो टाइम नहीं बचा। तो जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे वीडियो आगे होगी मेन चैनल पे, आप देख लेना बहुत बढ़िया वीडियो है। अब वैसे भी हम हफ्ते में ही ला रहे, तो मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूँ अच्छे से। अभी मैं जा रहा बिना नहाए, नहाए नहीं वो शर्ट बदल लूं हर्ष के घर। भाई उस दिन हमने जैन मंदिर दिखा दिया, कमेंट्स में जैन ही जैन हो गए, पता लगा जैन कितनी ऑडियंस है। तुम्हें एक सरप्राइज भी तो दे दूं मैं, शी इज बैक मीम बन रहे थे कि अकाउंट डिलीट हो। मैं बता रहा था ना कम्युनिटी स्ट्राइक से डिलीट नहीं हुआ था इसका, इसने खुद डीएक्टिवेट करा था। ओहो हाइप में रहने के लिए। अरे नहीं मैं, मुझे जरा वो फॉलो करे, कितनों को फॉलो करे, 76 को, 76 में से एक मैं हूँ, तो मुझे बता देती यार मुझे क्यों फॉलो नहीं करती हो, क्या कमी है। मुझे इसलिए कर रहा था, सेवियर नहीं है किंग, किंग ने यहाँ लिया था छत्ती पवार जिस टाइम सोफिया अंसारी को रोस्ट कर रहे थे सब। कब हुआ था ये, लगभग एक साल पहली बात है। हम उस फ्लैट में रहते थे मुजफ्फरनगर वाले में, उसने अभी मुझे फंडनगर में ही खड़े, तो इस फ्लैट में रहे। मतलब यो फ्लैट नहीं, यहाँ वाला जो फ्लैट था उसमें राग रहे थे ना। मतलब ये तो बहुत ज्यादा डिप्रेस भी थी यार, मतलब परेशान सी थी। फिर मेरी एक बार इससे बात हुई और तब से फिर हमेशा के लिए खुश होगी। फिर कभी स्टेप बैक नहीं करा। सोफे का यूट्यूब चैनल भी है? नहीं यूट्यूब चैनल है, मतलब 2-4-10 बार वीडियो डाली उसने, बाकी तो कोलैब ही करा ज्यादातर। मैं हल्का सा बस इतनी सी टिप्स दूं और आदमी का जीवन बदल दूं, देख लो कि मोटिवेशनल चैनल में ही हूं। अगला फेसबुक पे तो नहीं है शायद इसका पेज? फेसबुक पे तो इतने पेज है, इसे क्या जरूरत है डालने की, ऑफिशियल नहीं है। और अब तुझे बताऊं यहाँ वाला जो फोकस है ना उस पर बाल कटवाने गया मैं। हाँ। और भाई दोनों की करे और नुगरे देखे, मैं कहने लगा मगर क्या हो गया भाई नुगे, क्योंकि मुझे आवाज जिस सुन की थी जिस तरह के गाने बजा रखे थे उन्होंने रील में, वो ऊन टवा ये सब चल रहा था उसकी, देख रहे थे सोफिया अंसारी की वीडियो, तो यूं गया भाई घणों को सुतन अच्छे। मैंने फिर बड़ाई सी मारी अपनी वहाँ, मगर मुझे फॉलो करे इंस्टाग्राम पे, तो बताओ क्या क्या है। अरे इंस्टा पे ना मैं तो फेसबुक पे देखूँ, फिर मैं क्या ही कहता, अगर उसे पता होता तो मैं थोड़ी चोर सी झाड़ता वहाँ। पहचानने से मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम नोएडा थे बोटैनिकल वाली मार्केट में, तीन बंदे खड़े थे उससे क्या वरवरा आज देख इसकी स्टोरी टेलिंग देखो मैं क्या है कम या निकल लूं बेहतरीन है। तीन बंदे खड़े थे, एक मोमोज ले रहे थे, एक मोमोज की दुकान पे, एक मोमोज मोमोज की दुकान, मैं नर्वस हो रहा है बता दे, मोमोज की दुकान पे मोमोज खरीद रहे थे यार मोमोज की पे मोमोज ही खरीद, अब मोमोज की दुकान पे आके डिल्लो तो लेने से भैया तीन प्लेट डिल्लो। इसे लक्ष्य को देख लिया उन्होंने, तो एक कह रहा यार मैंने से कहीं देखा ये वही है गया, तो उसने कहा वो देख इसका कितना बड़ा पेज है यूट्यूब पे, अबे चल इसके पास चल रहे। दो बिल्कुल कैजुअली खड़े, अबे रहन दे क्यों नहीं हो, हो जाएगा और लोग होगी, देख तेरी स्टोरी में किसी को मजा नहीं आ रहा। हाँ इतनी अच्छी थी नहीं। मैं बहुत हाइप के साथ रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी थी यार, एंड में मरना चाहिए था कोई कि मोमोज से सिलेंडर फट गया, मोमोज बॉइल कर रहा था वहाँ भाई, दो के तो हाथ कट गए उसके बाद, वे कहने लगे लक्षा भाई खड़े थे नहीं तो अभी आग बुझा देते। डागा जेबरा डागा कोई बहुत ही वाइल्ड स्पाइसी स्टोरी लाने की सोच रहा जिससे कम बैक करो। ये सबसे अच्छा टाइम है, मतलब सिंस 2016-17 और जब से छत बनी, छत तो 18-19 से बनी, तो तब से बेस्ट टाइम है शाम को यहाँ आना बातें करना, नहीं तो बाहर वाली रोड पे घूमना। सब बता दे भाई जो लोग यहीं आने लगे। एक मीम था आज बढ़ रहा था मैं, मतलब एक दोस्त दूसरे को कहते रहे कि भाई NL में बड़ा मजा आता है, तो दोस्त कहे अच्छा तुमने ट्राई किया, कह रहा हाँ किया पर दर्द बहुत हो रहा पीछे। 4 दिन पहले देखी थी वीडियो, मैंने सोचा था बहुत हैवी कॉमेडी है। मैं भी वही स्टोरी यही सोच के लाया था। हंसते होंगे डांस करते हुए, परेड आओगी पूरी। उम्मीद थी मैं आज स्टोरी सुनाती फैन ही हो जाएंगे, रोज आएगा। करण कह रहा था जब कोई बहुत आगे बात चल रही है, किससे सुन ले बात तो सुन। करण यूं कह रहा था कूल टाइम में अगर कोई जोक मारा था ना उस पास ही नहीं आती, तो यूं कहता NCC में फोन कर दिया अभी परेड आओगी ताली बजाती। तुझे पता हमारी जो राड़ हो ना वो बहुत अच्छी दवाई हो, घी की जगह डाल के खा।
रात को आवे पता ना लगे नशे में। नशा ये बता लुच्चे कपड़े पहरे का आवे ये तुझे लोंडियों में भी लेके नहीं खड़े हो सकते। पकड़ क्यों नहीं रहना, क्यों नहीं रहना यार, मरेंगे हम तो। हेलो यूं करा कर दे इनको, कैसे लुच्चे भाई अरे यूं करके पीछे तू याले चूसी रहा तू तो पटले भी मोटे से हो रहे ऐसा होता मैं देसी हूं। चलो भाई लिगड़ तो लिगड़ तो लिगड़ा जाएगा आज तो बिजली भगवा रहा है ये बस सुबह सा मौसम भाई तो तुमने हवा भी रोक दी आका साहब ऐसी गर्मी नहीं देखी और फिर करे हां थारे भगवान सा पैसों की कमी एसी लगवा लो यही करे बड़े आदमी बस यूं कह लगे अब तो पढ़ लिख ले भाई तुम बाहर जाएगा वो गवा कहां। अरे गलती से एक इंग्लिश शब्द बोल दिया ना तुमने कि हो जाता है बट बस इतना बोल दे अब तो शहर वाले नवेड़ा वाले बोलिए। एक पापा घर में बहुत आता था मान ले पापा को गाड़ी का कोई फीचर या फोन का कोई फीचर चला तो नई चीज में दिख जाऊँ ना अरे कोई हो साथ में तो करेंगे भाई तुमने सीख लिया तुम पढ़ लिख लिया है तुमने रुपये लगा रखे इसमें हमें तो पता नहीं हम तो साथ आदमी हूँ करें थोड़ा दिखाने को कि हमारे बच्चे कितने एडवांस है। और एक ईगो पे भी तो लगे जब कोई फीचर समझ में नहीं आता ना बा हमने तो चला ही नहीं बा हमें तो पता नहीं सीखते नहीं हमारे वाले नहीं सीखते दूर से चेक करा करते बिल्कुल ही हो गया यार हरकतें वही है देहात वाली टुच्ची है। एक बंदा था स्कूल में उसका नाम तो नहीं ले रहा मैं पर तुम पहचान जाओगे। मैं एक बार खड़ा छुट्टी में और यही काम करा उसने जो तू डंडी लेके कर रहा और वो पीछे बिल्कुल जी स्पॉट पे कुछ देसी ऐसा घुसाया उसने इतना गुस्सा बना उस वक्त जी स्पॉट नहीं होता जो भी था मतलब लेकिन पॉइंट पे था क्रेजी कर दिया आज तो लेकिन डीप वाली अरे वाली दादी वाली ब्याह होने वाला है कुछ दिन देख लो बस तुम क्यों हो रहा बायो डाटा बना के भेज दो क्या 5'8" एक्सिस बैंक ओए 8 ना कहवे 10 है 5'10 स्किन टोन डार्क नहीं ब्राउन हेयर वो है ट्रांसप्लांट ऐसा बायो डाटा देख के कर लगा कोई पसंद और उसमें नीचे लिख रखा स्मोल्डिक पियोन एट एक्सिस बैंक गनर गन के साथ बैठा फोटो डालने नहीं बायोडाटा में वो भेज दो इसकी गोवा वाली वीडियो भेजने क्या नहीं तो यार तो तुम इसकी इंसल्ट करो फालतू में लेकिन यार तो अक्षित का उसने पूछ हाँ, पक्के हैं ये दोनों स्मूची भी तो ले होते तुम दोनों आपस में कंबल में हाथ क्रिस क्रॉस रहे हैं मेरे इतने करीब क्यों आ रहा तू इतना अच्छा एक लंबा होता बस टेक लगा क्या मिलेगा तो जा पति हो छोटे क्या डायरेक्ट लेके पीछे कभी कुछ करे इसमें मजा होता है यार कच्चे ना पैरों अंदर फरार रहे बिल्कुल देख की करेगा तो देख की अफदारी लेकिन ऐसा भी नंगा सा फील होता रहे कि सब अरे टांग उठा के नो पड़े रहे तो दिक्कत आ जाए सामने वाले कई बार यूटर से आदमी खाना था।